मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छोटा शिमला वार्ड में अपने परिवार सहित अपना वोट दिया। बारिश के बीच मतदान करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने वोट देने का बाद छोटा शिमला ढाबे में चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू इसी वार्ड में रहते थे और दो बार वार्ड सदस्य भी रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान अपने गृह क्षेत्र नादौन में वोट देने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला नगर निगम चुनाव में दिए गए वोट पर हंगामा खड़ा हो गया है। भाजपा से पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन में वोट देकर आए हैं, इसीलिए शिमला में उनका दूसरा वोट गलत परंपरा है। भाजपा की ओर से उठाए गए सवालों पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा का उनका वोट विधानसभा चुनाव के लिए था, यह नगर निगम शिमला का चुनाव है और यहां राज्य सरकार ने हर उस व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया है जिसका शिमला में बिजली पानी इत्यादि का कनेक्शन है। जो शिमला में रहता है उसे अपना पार्षद या मेयर चुनने का अधिकार है। उन्होंने सुरेश भारद्वाज से सवाल पूछा है कि पिछला चुनाव आप कुसुमटू से लड़े थे, फिर शिमला शहर में क्यों वोट दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जनता की ताकत और जनता के फैसले में भरोसा है, जबकि भाजपा चुनाव से पहले ही डर गई है। देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो पब्लिक लाइफ में छोटा शिमला वार्ड से हुई है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज यहाँ अपना वोट डालने के लिए आया हूँ। मैं छोटा शिमला की जनता का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा साथ दिया और दो बार मुझे यहाँ से पार्षद बनाकर भेजा। और मैं इसलिए आज अपने एक प्रत्याशी है सुरेंद्र चौहान जी, जो पार्षद के समय मुझे सपोर्ट करते थे, आज वो मेरे प्रत्याशी है। मैं इस दृष्टिकोण से भी हमारे सारा परिवार उनको वोट डालने आया। सर, भाजपा ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने दो कंप्लेंट्स यहाँ पर जारी की है कि दो बूथों पर नंबरिंग में सीरियल नंबर की गई है। मैंने तो ये नंबरिंग की छेड़छाड़ की बात तो पहली बार सुनी है। शिमला की जनता पढ़ी लिखी है, शिमला के कर्मचारी अधिकारी पढ़े लिखे हैं। हाथ का निशान देकर ही लोग वोट डालेंगे या कोई और निशान देकर दूसरी पार्टी को वोट डालेंगे, ये कहना कि नंबरिंग कहनी है, ये गलत बात है और ये ना उनको शोभा देता है। लोग यहाँ जानते हैं कि हमने किसके पक्ष में वोट डालना है और लोग ये भी जानते हैं कि इस बार किसको उन्होंने समर्थन देना है। तो इस दृष्टिकोण से इस प्रकार की बातें करना कि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, वहाँ सिंबल नहीं होता, नाम के आगे सिंबल होता है और सिंबल को लोग नहीं जानते, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई और दूसरी तीसरी पार्टी को वोट नहीं पड़ेगा। सिंबल देख के वोट पड़ता है, विचारधारा को देख के वोट पड़ता है। और इसी दृष्टिकोण से हम जो शिमला की प्रबुद्ध जनता है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, वो सोच समझ कर यहाँ वोट डालते हैं। यहाँ की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, जानती है। आपके वोट डालने के ऊपर भी आरोप लगाएंगे। ऐसा है कि आप जो कह रहे हो, वोट डालना अधिकार है, फ्रीडम दिया हुआ है और विधानसभा में एक ही जगह वोट डलेगा। और जो शिमला म्यूनिसपैलिटीज होती है, नगर पंचायत होते हैं, नगर परिषद होते हैं, पंचायत इलेक्शंस होते हैं, उसमें आपके जो जिस क्षेत्र के आप पानी का सदुपयोग करते हैं, बिजली का सदुपयोग देता है, जिस क्षेत्र में रहकर आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, उनको भी वोट देने का अधिकार होता है। एक जगह एक ही बार में वोट देने का अधिकार है। ये म्यूनिसपैलिटीज के इलेक्शन है, इसमें कोई वो ये ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो सुरेश भारद्वाज जी तो छोटे शिमले रहते थे, फिर कुसुमटी से क्यों चुनाव लड़े? तो ये चीज उनको और उनको कुसुमटी क्यों भेजा? अगर उन्होंने स्मार्ट सिटी में इतने काम करवाए तो उनको कुसुमटी क्यों भेजा? तो ये चीजें पूछने की बात है। ये राजनीति होती है, इसमें सब सवाल पूछे जाते हैं। सर, कितनी सीटें कर्नाटक के चुनाव भी है तो इसका क्या है? देखो, अभी तो रिजल्ट भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, हम तो क्या बोल सकते। हमने तो 5 महीने सरकार ने काम किया, दिन रात मेहनत की है, इस प्रदेश को आर्थिक बदहाली के रास्ते पर पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और मैं आपको कह सकता हूं कि जिस प्रकार की अव्यवस्था का आलम भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में लाया, उसको ठीक करने में अभी 2-3 साल लगेंगे और हम मेहनत कर रहे हैं। और हमने शिमला नगर निगम की जनता को, जिसने 50 साल रहकर एक बिल्डिंग बनाई होती है,
और एक एटिक बनाई होती है, हमने उसको भी रेगुलराइज किया। ये चार साल तक रिटेंशन रोते रहे। हम अब ये देखने जा रहे हैं कि उनकी पार्किंग फ्लोर को कैसे रेगुलराइज करना है, उनके बेसमेंट का अगर स्ट्रक्चर डिजाइनिंग ठीक है तो कैसे रेगुलराइजेशन करना है। हम उनको राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। शिमला की राजधानी में सरकारी कर्मचारी रहते हैं। हमने जितना डीए की घोषणा की, 1.5 साल बाद बेचारों की डीए की घोषणा हुई। 1.5 साल में महंगाई का जो दर है वो 8% बढ़ गई। हमने 3% डीए की किस्त भी दी और कहा कि आने वाले समय में और हम कड़े फैसले लेके अपनी अर्थव्यवस्था को हम बढ़ाएंगे, अपने राजस्व को बढ़ाएंगे, और उनका एरियर भी दिया। इन्होंने तो 6th में पे कमीशन लागू कर दिया और जो उसका एरियर था और पेंशन कर्मचारियों का जो एरियर था, हमारे सिर पर 10,000 करोड़ रुपए का देनदारियां छोड़ गए। हम उनको भी देंगे, लेकिन हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4 साल लगेंगे। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम अपने अधिकार है, हिमाचल के लोगों के अधिकार है, जहां और प्रदेश बैठे हुए हैं, हम उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे। 40 साल तक इस अधिकारों की लड़ाई के लिए किसी ने नहीं सोचा, हम सोच रहे हैं। हमने शराब की ठेकों की नीलामी से 750 करोड़ रुपया अधिक कमाया। वाटर सेस से हम पैसा के बारे में सोच रहे हैं। तो हम प्रदेश की आय भी बढ़ाना चाहते हैं, अपने अधिकारी कर्मचारी किसान महिलाओं को भी उनके अधिकार देना चाहते हैं। हम इस दृष्टि से कार्य करते हैं। हिमाचल बस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।